हेलो गाइस, हमने अपने पहले वीडियो में जाना था हीरोज फॉर्मूला के बारे में, कुछ बेसिक्स जाने थे और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जाना था। तो आइए आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हीरोज फॉर्मूला, ये हीरोज फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल से जो हम रिजल्ट निकालते हैं, क्या वो सेम आता है या नहीं आता है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से जानेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। मैं एक इक्वेटेड ट्रायंगल ले लेता हूँ, या इक्वेटेड ले लेता हूँ, या कोई भी एक ट्रायंगल जिसकी मुझे हाइट नोन है, ठीक है, उसकी साइड्स भी नोन है। सपोज मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, कितना ले लूँ मैं, मैं एक इक्वेटेड ट्रायंगल लेता हूँ, बढ़िया मस्त, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की हाइट है, सॉरी 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। पहले इक्वेटेड ट्राई करते हैं, उसके बाद अपन और भी ट्रायंगल्स को ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। ठीक, अब मुझे इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो हाइट के लिए मुझे पता है कि ये जो परपेंडिकुलर गिरता है वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर को 5 और 5 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं और समझ बहुत जल्दी से, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस, सबको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ना, थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल कहती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ऑब्वियसली ये ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, तो थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड, जैसे कि ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच हमको नहीं पता अभी निकालना है, स्मॉल एच है समझिए, और बेस अपने को कितना है 5, क्योंकि 10 का डिवीजन हो गया 2 पार्ट्स में, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है, ये साथ में इस साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ठीक है, इक्वेटेड ट्रायंगल में, ठीक है। तो एच स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा कितना, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, 100 माइनस 25 इक्वल टू रूट ऑफ 75, तो एच मिल जाएगा मुझे कितना, रूट 75। रूट 75 को अपन तोड़ना जानते हैं कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। रूट 75 क्या लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 25 इंटू 3, ठीक है, इसको अपन लिख देंगे 5√3। ये हो गया, मेरे हाइट मिल गई, ठीक है, ये मेरी हाइट मिल गई, एच इक्वल टू 5√3। तो बेस मुझे पता है, बेस इसकी इतनी है 10, टोटल बेस लेंगे हम जब भी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एरिया निकालता हूँ अगर इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 × 5√3 हाइट इंटू बेस 10, कितना हो जाएगा, ठीक है, 25√3। इसी को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक मिनट पास में, ठीक है, कैलकुलेट करें अपन तो 25 × 1.73, ठीक है, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73, है ना, यही होती है, श्योर। सो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। इसी को अगर हम हीरोज फॉर्मूला निकालें, तो हम पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लें, एस इक्वल टू, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम बाई 2, मतलब 10 + 10 + 10/2, मतलब 15, ठीक है। और अब निकाल देता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 15, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, ठीक है, हो जाएगा 5 × 5 = 5√3, यानी कि 25√3, जो कि आप देख सकते हैं कि सेम आया, मतलब ये दोनों ही फॉर्मूले जो है वो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल देते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट हीरोज फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जो नॉर्मल फॉर्मूला उसके बारे में, ठीक है। सो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे या एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, दैट्स